नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व का महादिन करीब आ पहुंचा है। हरियाणा में 10 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान को लेकर कितना उत्साह है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कई जगहों से मतदान के बहिष्कार की खबरें भी आ रही हैं, जो मजबूत लोकतंत्र के रास्ते में चिंता पैदा करती हैं। इस बीच आचार संहिता के चलते प्रचार तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें बंद हो जाती हैं? और नहीं होती तो किस तरह से लुभाया जाता है? आखिरी वक्त तक मतदाताओं को और कितना असर करती हैं ये कोशिशें, इसी पर आज चर्चा करेंगे। केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ की एक और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान गुरुवार को होगा, जिसमें मैदान में उतरे कुल 247 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत मतदाताओं के हाथों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में लॉक हो जाएगी। हरियाणा में कुल 1,60,97,034 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 73,80,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने इस मतदान की अवधि 2 घंटा बढ़ाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। हरियाणा में कुल 230 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, इनमें से सिर्फ 11 महिलाएं चुनावी समर में उतरी हैं। हिसार में सबसे ज्यादा 41 उम्मीदवार हैं, वहीं अम्बाला और रोहतक में सबसे कम 14-14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार ईवीएम में पहली बार नोटा का विकल्प भी होगा, यानी मतदाता को अगर कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो वो इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकेगा। मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जनप्रतिनिधियों से नाराज मतदाताओं ने मतदान न करने का फैसला किया है। पंचकुला जिले के गांव गुमथला, छोटी चौकी और बड़ी चौकी के हजारों लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इनकी शिकायत है कि चुनाव के दिनों में नेता आते हैं, विकास का वादा कर जाते हैं और उसके बाद पलट कर देखते तक नहीं। इसी तरह गुड़गांव के गांव झाड़सा के भी लगभग 400 परिवारों ने मूलभूत सुविधाएं ना होने के चलते लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अगर ये अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही मतदान की अपील को झटका लग सकता है। आचार संहिता का कितना पालन किया जाता है, कितना उल्लंघन होता है और क्या कुछ होता है चुनाव से, मतदान से एक दिन पहले, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरियाणा के चुनाव आयुक्त धर्मवीर जी, वरिष्ठ पत्रकार हरबंस सिंह जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी, कितनी बड़ी चुनौती होती है आचार संहिता के पालन की और उल्लंघन की खबरें आती है किस तरह से, क्या अभी इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देखिए, प्रशासन कोशिश तो करता है कि कंट्रोल हो। अमूमन जो शिकायतें आती हैं 1-2 दिन पहले पोलिंग से, वो होती है कि कोई शराब बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई किसी तरह का प्रलोभन दे रहा है। तो ये कुछ शिकायतें तो अफवाह भी होती हैं, कुछ शिकायतों में शायद वजन भी होता है, लेकिन ये समय ऐसा होता है कि प्रशासन पूरा मतदान की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। और सही भी बात है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है और दूसरे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, तो वो समझते हैं कि रात में जबकि पोलिंग स्टेशन पर पुलिस चली जाती है या पुलिस गश्त करती है, तो लुके छुपे ये काम करते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि टोटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये ज़रूर है जहाँ पर प्रशासन चुस्त होता है और कुछ केसेस को पकड़ कर लोगों के सामने एग्जांपल बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये प्रवृत्ति कम हो जाती है। शराब और पैसे का, कैश का इस्तेमाल होता है, आरोप लगते रहते हैं हमेशा, क्या ये असर डालते हैं एक दिन पहले कि आज शराब मिल गई या कैश मिल गया तो कल वोट इसी को मिलेंगे? अगर ये कहा जाए कि इसका असर नहीं होता तो वो भी जो है बहुत ही आशावादी बात होगी। यानी होता है, यानी थोड़ा बहुत होता है, खास जगहों में होता है। अब मैं खुद ही देख चुका हूँ कि अभी भी इस चुनाव में भी कई जगह कुछ लोगों ने बताया कि भाई वोट तो हम इनको दे देंगे, भाई ये हमको देंगे क्या। अच्छा, उम्मीद रहती है मतदाताओं को। एक जगह एक किसी ने बोला कि मैं जो है 50 वोट जो है डलवा सकता हूँ, मुझे अगर स्प्लेंडर दिलवा दो तो, मोटरसाइकिल। लेकिन उल्लंघना जो है सिर्फ यही नहीं है कि चुनाव की जो है उल्लंघना जो है ये शराब से या इस प्रकार के प्रलोभन से होती है। सबसे बड़ी उल्लंघना जो है वो निरंतर लगातार जो है चुनाव घोषित हो,
होते ही होने से पहले जो है उसकी तैयारी कर ली जाती है कि जब सरकार जो है वो प्रशासन में अपने चुने हुए लोगों को बिठाना शुरू कर देते हैं, प्रभावित वो करते हैं। सबसे बड़ी उल्लंघना जो है प्रशासन की तरफ से ही होती है, बाकी जो है ये छोटी छोटी बातें हैं जो तूल पकड़ लेती हैं, लेकिन जो वास्तव में चुनाव पर प्रभाव डालती हैं वो प्रशासन स्वयं डालता है अपने पसंद के अधिकारियों को तैनात कर। इसीलिए हर जगह पंजाब में आप देख लो, यहाँ पर भी बहुत सी शिकायतें हुई हैं, हर प्रदेश में होता है, बंगाल में देखिए कितना बड़ा क्लैश हो गया जो अधिकारियों को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, ये वहाँ जो है उल्लंघना वहाँ होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आड़ में हमारा जैसा देश जिसमें इतना लंबे समय तक जो है चुनाव चलते हैं उसमें प्रशासन और सरकार जो है वो ठप हो जाती है, ये ज़्यादा चिंता की बात है। क्या ऐसा होता है धर्मेंद्र जी, प्रशासन और सरकार ठप हो जाते हैं? देखिए प्रशासन कुछ जरूर ठप हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये जो प्रणाली है बनाई गई है वो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि जो सरकार जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं वो कई तरह के प्रलोभन भी दे सकती हैं, कई तरह के जो अनाउंसमेंट है वो भी कर सकती हैं, तो कुछ टेम्प्ररी तौर पर ये एक तरह से सरकार में काम कम हो जाता है, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, के लेवल प्लेइंग फील्ड हो जो पार्टी पावर में है और जो पार्टीज बाहर हैं, ताकि इनमें एक तरह का समानांतर वो लोगों की तरफ दिखे कि भाई ये दोनों बराबर हैं और एक का पलड़ा भारी नहीं है, इसलिए ये जरूरी हो। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई देश हमारे देश में नहीं है, बहुत देशों में है, जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इमर्ज हुआ एक्सपीरियंस के आधार पर, पार्टीज में सहमति हुई है तभी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना है, कोई एक्ट नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है, तो एक तरह से वहाँ से भी सहमति हो चुकी है, लीगल एक तरह से सैंक्टिटी मिल चुकी है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाई इटसेल्फ इज नॉट ए बैड थिंग, ठीक, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना हो फिर क्या हो, तो कितने तरह की धांधलियां होंगी किसी भी तरफ से हो सकती है, जो पार्टी इन पावर है या पार्टी इन अपोजिशन है, इसलिए ये जरूरी हो, ये जरूरी है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि भाई आईपीसी की उल्लंघना हो रही है तो आईपीसी गलत है या सीआरपीसी गलत है, कानून तो गलत नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो ना हो तो एक अफरा तफरी मच जाएगी देश में। हाँ, उल्लंघन की बात तो वैसे भी हो रही है हेमंत, जो बात हो रही है कि शराब और पैसे का खेल चलता है, उसके बाद जो हरबंस सिंह जी कह रहे हैं कि अफसरों की तैनाती अपने हिसाब से करती है सरकारें, इस दौर में जब आप 10 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं, लगता है कि कुछ बदलाव आया है, उन्हें क्या ये चीज़ें प्रभावित कर पाएंगी? देखिए ये चीज़ें प्रभावित करती आई हैं और करती रहेंगी, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में निरक्षर लोग रहेंगे तब तक ये ऐसा काम चलता रहेगा। आज की डेट में हिंदुस्तान की जनता, हम 70% के आंकड़े देते हैं पर मैं बोलूँगा 50% से नीचे जो हैं वो किसी पूर्ण रूप से इनको आप साक्षर बोल सकते हैं वो हैं, बाकी निरक्षर हैं और जो अपने रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऐसे में एक पेटी बोतलों की, शराब की बोतलों की, कोई और प्रलोभन, 1000 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट बहुत बड़ी बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। और ये कहना कि ये अब कम हो गया है, प्रभाव नज़र नहीं आता, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। इवन चंडीगढ़ जैसी जगह में कौन सा ऐसा ठेका है जहाँ पर पर्चियाँ नहीं चली, जहाँ पर नोटों के ऊपर साइन करके पेटियाँ नहीं गई, जहाँ पर नोटों पे साइन, ये सब प्रशासन को पता है, अखबार में फ़ोटो भी छपी हैं, प्रशासन सोया हुआ है, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, क्योंकि वो इसमें कुछ करना नहीं चाहता, उनको पता है कि ये तो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना नहीं चाहता क्योंकि उनको पता है कि ये तो प्रोसेस है, ये चलता है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने को, किस्मत के सारे मतलब स्वीकार कर लिया, बिल्कुल स्वीकार कर लिया पूरी तरह से। कोड ऑफ कंडक्ट
की बात की जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इस चीज को भी स्वीकार कर लिया, ये तो होगा ही, इसका उल्लंघन तो होना ही होना। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, मॉडल कोड है वो, ठीक है। तो मॉडल में तो आप जो मर्जी बनाते रहें कि ये मॉडल होना चाहिए, आप मॉडल बनाते रहें और मॉडल बना के उसकी उल्लंघना होती रहेगी, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो ऐसा है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने देखना है, इलेक्शन कमीशन ने कितने लोगों का कैंडिडेचर आज तक खारिज किया इसलिए कि उन्होंने मॉडल कोड का उल्लंघन किया है। मैं तो जानना चाहूंगा कि कितने लोगों का ऐसा कैंडिडेचर उन्होंने खारिज किया। मैं धर्मवीर जी के पास जाऊंगी बिल्कुल इस सवाल के जवाब के लिए। देखिए बात यह है कि अगर आप पॉलिटिकली देखें तो सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। कई स्टेट्स में जो पार्टीज बहुत सालों तक पावर में रही हैं वो पावर से बाहर भी गई हैं। तो ये कहना तो सही नहीं है कि हर आदमी प्रलोभित होता है और सत्ता परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हुआ है देश में। हेमंत, दिल्ली की बात कही जा रही थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ये बात में कहा था जब वो जीत गए थे आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कैश भी रख लिया, शराब की बोतलें भी रख ली और उसके बाद वोट आम आदमी पार्टी को दिया। धर्मवीर जी जब बोलते हैं तो मैं इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये ऐसा बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि परिवर्तन जो है ऊपर वाले 3% क्रीम पे 4% क्रीम पे होता है, जो 3% 4% वोट पे होता है। अगर आपका आप अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचते ही नहीं है तो वो 3-4% आप मायने नहीं रखता। अगर आप वो 3-4% अगर आपका गैप 6-7-8% है तो वो 3% 4% मायने नहीं रखता। मैं सहमत हूं धर्म, नो नो आई डोंट एग्री विद हिम। आप देखिए कि आज जो मेरे ख्याल से मेघालय में या नागालैंड में चुनाव थे, जो मैं टीवी में देख रहा था, 83.5% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा और असम में भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हाँ, ये भी किसी तरफ संकेत कर रहा है या नहीं? नहीं, इसका देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप सक्सेसिव चुनाव को देखें, परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ रही है और लोग अपनी वोट की अहमियत को समझ रहे हैं, और दिल्ली में जो अभी इलेक्शन हुए थे उससे ये कहना मुमकिन है, मुमकिन नहीं है किसी पार्टी के लिए कि हम आ जाएंगे कि। और देखिए जितने नए वोटर्स आ रहे हैं वो अधिकांश पढ़े लिखे हैं और जागरूक हैं, वो ओल्ड जनरेशन नहीं है। देखिए इंडिया की लिटरेसी रेट टोटल 64% है, और जबकि मैं जो मेल्स की ज़्यादा है, फीमेल्स की कम है, लेकिन जिस तरह से नई जनरेशन पढ़ रही है और वोट डाल रही है वो पॉलिटिशियन समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ जाएंगे। मतदाता क्या प्रभावित होता है, आखिरी क्षणों में होता है तो किस तरह से होता है, और एक लहर बनाने की जो कोशिश की जाती है क्या वो बनती है? इस बार तो नोटा का विकल्प भी है, वो कितना इस्तेमाल होगा, ये बड़े तमाम सवाल हैं। जी बिल्कुल, लहर बनती है और बिल्कुल मतदाता प्रभावित होते हैं। जो मैंने जैसे कि पहले पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था कि जो लोग इकोनॉमिकली चैलेंज सेक्शन से आते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें प्रभाव डालती हैं, और उसका बड़ा तबका हिंदुस्तान में है अभी भी। बिल्कुल, बहुत बड़ा तबका है। और जहाँ तक आपने ये नोटा की बात की कि नन ऑफ द अबव वाला जो विकल्प है, ये मुझे लगता है कोई विकल्प नहीं है, ये एकदम बकवास आइडिया है और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में ये फ्लॉप हो चुका है। इवन पाकिस्तान ने, रशिया ने, उन्होंने तो बल्कि ये विकल्प डालने की कोशिश की थी और उन्होंने बाद में इसको विड्रॉ कर लिया कि ये एकदम बेकार आइडिया है। इवन यूके में अलग अलग जगह पर इसकी कोशिश की गई, ये कोशिश की गई कि नोटा के नाम से पार्टी रजिस्टर करवाई गई कि अगर आप नोटा को वोट देंगे और हम चुने गए तो हम नहीं आएंगे, तो बेस्ट जो उसका जो रिजल्ट था वो 0.7% उनको वोट मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसको बड़ी लंबी मांग के बाद ये विकल्प मिला। मैं ये बता रहा हूँ, इसको ये माना गया कि एनार्की को जन्म देता है, आपके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सेंटीमेंट को जन्म देता है और ये बोलता है कि सब कुछ खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे हमारा बहुकोणीय मुकाबला होता है राजस्थान विधानसभा चुनाव में असर पड़ा था। मैं अभी उसकी बात, बहुकोणीय मुकाबला होता है जब ये सिर्फ दो पार्टी हो, तीन पार्टी हो तो आप बात कर सकते हैं, जहां पर आपके 15 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट 25 कैंडिडेट खड़े हों वहां पर आप नोटा का विकल्प दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था तो उन्होंने डिसीजन इस बेसिस पे दिया था कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, जो लोग वहां जाके अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग नहीं करते तो फॉर्म 1749 के बाद जो है वो लोगों को पता चल जाता है कि किस किस ने अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो उससे उनका राइट टू प्राइवेसी डिस्टर्ब होता है, इसलिए नोटा का बटन दिया जाना चाहिए। वो नोटा जो है वो वोट माने नहीं जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, तो जैसे आप घर पे बैठे रहे या वहां जाके बटन दबाया उसमें कोई अंतर नहीं है, आप दोनों जगह एब्सेंट हैं,
तो आप जाके नोटा का बटन दबाएं तो इसका मतलब आप एकदम अपने बेकार काम किए, आप घर पे भी सोए रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एकदम बेकार विकल्प है। तो ये कोई विकल्प नहीं है, मुझे मानना, मेरा ये मानना है कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए गलत चीज़ है। इसको आप प्रचार प्रसार करने वाली वो संस्थाएँ हैं जिनके विदेशी चंदे से जो चलती हैं, जैसे कि ADR है और जो PUCL जो विदेशी इन्फ्लुएंस में, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में चलती हैं, तो ये वो इसका प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएँ हैं। हमें बिल्कुल भी इस विकल्प के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जाके जिस कैंडिडेट को हमें वोट देना चाहें हम उसको दें, इंडिपेंडेंट को देना चाहें उसको दें। हरबंस सिंह जी, लगता है कि नोटा का विकल्प कोई मायने नहीं रखता, जिस तरह से हेमंत कह रहे हैं, जबकि लंबे समय की मांग की जा रही थी उसके बाद ये विकल्प दिया गया है। ऐसा समाज जिसमें नंबर ऑफ वोटर्स कम हो, वहां पर ये विकल्प होता तो उसका औचित्य समझ में आता था, शायद प्रैक्टिकल भी होता। हमारे जैसे देश जहां 10-10 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसमें नोटा जो है वो एक हाजिरी लगाने वाली बात है कि जी हमारे पास ये भी विकल्प है। और हम, और मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग इसका प्रयोग करते हैं वो अपने आप को सिवाय कि हम अलग हैं बाकियों से, हम सुपीरियर हैं थोड़ा, वो साबित करने के अलावा जो है फैशन स्टेटमेंट बन गई है, मंतव्य नहीं है इसका, कोई टुक नहीं बनती इसकी। धर्मवीर जी, एक और भी खबरें आ रही, कई जगह से चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप आते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद सुध नहीं लेते हैं। गुड़गांव के गांव से है, पंचकुला के कुछ गांव में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। इससे कितना एक जो एक मुहिम आप लोग चलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए मतदान करें, उसको झटका पहुंचता है? और वो लोग क्या अपनी जगह सही नहीं है जिनकी सुनी नहीं जाती है? देखिए, वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और रोष प्रकट करना डेमोक्रेसी में जनता का राइट है, और ये मैसेज भी देता है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस क्षेत्र के हैं वो शायद उस जगह पर जस्टिस नहीं कर पाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मुझे याद है, मैं 96 में यूपी में एक कंस्टिट्यूएंसी में ऑब्जर्वर था, वहाँ पर 50 गांव ने बहिष्कार किया था, 50 होंगे या 30 होंगे, काफ़ी गांव थे, एक क्षेत्र था। तो मैं वहाँ पर लोगों से मिलने गया और मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं वोट डालना चाहते। बोले साहब के 1950 के बाद आप पहले अधिकारी हैं जो इधर आए हैं, ये 1996 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप रोष प्रकट कर रहे हैं लेकिन आप वोट तो डालिए, अगर वोट डालेंगे तो आपका महत्व लोग समझेंगे कि ये क्षेत्र हमारे खिलाफ वोट डाल रहा है, आप किसी तरह वोट डालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इधर डालिए, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि आपके वोट की अहमियत है, आप हवा बदल सकते हैं। खैर, उन्होंने वोट नहीं डाली और हम कुछ कर नहीं सके। तो जहाँ पर लोग डिटर्मिंड हो जाएं, तो उसका एक मैसेज पॉलिटिशियंस को भी जाता है कि भविष्य में जनता इस हथियार को भी अपना सकती है। और जो पहले चरणों में जो मैं यहाँ धर्मवीर जी की ये वाली बात का मैं जरा थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि वोटर्स की मैच्योरिटी की कमी है कि वो यहाँ पर ऐसे में बोलते हैं हम बहिष्कार करेंगे और हम नहीं किस तरह से अपनी नाराजगी जताते हैं। मैं बताता हूँ, जब आप आते हैं, आप जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट डालते हैं तो आप किस चीज़ के लिए वोट डालते हैं? आप देश की राजनीति के लिए, जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की List 1 है उसके लिए आप वोट डालते हैं कि जो केंद्र सरकार काम कर सकती है उसके लिए डालते हैं? आपके ग्राम का विकास नहीं हुआ, आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, उसके लिए आपका बहिष्कार करने का अधिकार जो है वो किस दूसरे आपके MLA के साथ, MC के इलेक्शन के साथ हो सकता है? चुन तो उनको भी रहे हैं वो। मैं उसी बात, जो तबका है जिसे पता नहीं है कि वो किस चीज के लिए वोट करे और उसके लिए क्या काम कौन करेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो जो आप बोल रहे हैं, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ वोटर्स की मेच्योरिटी की कमी है। हमारी सरकार इस बात में विफल रही है कि हम अपने वोटर्स को एजुकेट कर पाए, हम उनको अपना संविधान बता पाए, हम उनको बता पाए कि आप जिसको चुन रहे हैं वो जाके क्या रक्षा नीति बना रहा है, विदेश नीति बना रहा है, वो आपके वाणिज्य की नीति बना रहा है या आपके क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मैंने यहां पर, हम अपना इंडिपेंडेंट सर्वे करते हैं, तो मैंने एक इंडिपेंडेंट सर्वे पीछे किया और मैंने यंगस्टर से यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट या अबव हैं, डॉक्टरेट भी थे उसमें बहुत सारे लोग, जिनसे मैंने सिर्फ ये पूछा कि आप मुझे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का अंतर बता दें। हाँ। आपको जान के हैरानगी होगी कि 20% से ज्यादा लोग राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा का अंतर नहीं जानते। हाँ। ऐसे में आप ये बोले हैं कि वोटर आके ये बहिष्कार कर रहा है, तो मुझे लगता है ये तो अपना वो मुंह फेस सेविंग वाली बात हो गई। सरकार ये बोल रही है, इलेक्शन कमीशन या उसके ऑब्जर्वर ये बोले कि जी हम वो तो जी बहिष्कार कर रहे हैं, ये उसका अधिकार है। ये उसका अधिकार कैसे है? आपने तो अब इसमें, मैं एक छोटी सी और चीज में ऐड कर दूं, आप ये देखिए कि चुनावी चिन्ह क्यों होता है।
चुनाव का चिन्ह जो है पार्टी का, ये सिर्फ हमारे यहाँ पर यूनिक है। ये चुनाव चिन्ह क्यों है? ये चुनाव चिन्ह इसलिए है कि हमारे यहाँ पर लोग निरक्षर हैं। जिस समय 1952 में जब शुरू हुआ था, तो हमने ये बात मान ली थी कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोगों का नाम नहीं पढ़ पाएंगे, चुनाव पे जाके ठप्पा मारेंगे। हमने लोगों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की, उनको सिर्फ हमने अपना 5 साल तक पब्लिसिटी करके बताया नेशनल पार्टी सब क्यों बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल हालात नहीं है। बहुत लोग जो है, लिटरेसी लेवल हमारे देश में बहुत काफी इंप्रूव हो चुका है। मुद्दों पर तो चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है, पहले हो रहा है। अब चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है, आप बताइए ना, लोग नाम पढ़ सकते हैं और ठप्पा लगा सकते हैं नाम पे, या बटन दबा सकते हैं, फिर चुनाव चिन्ह की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये है कि हमारे देश में कास्ट और रिलीजन दो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, और शायद कुछ हद तक ये प्ले करते रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके भी, अगर जनता जहाँ पार्टी को बदलना चाहती है, वहाँ सत्ता परिवर्तन भी करती है। देखिए, अब देश में बहुत अरसे से आप देख रहे हैं कि एक सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिला दिल्ली में। तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ रही है। लोग ये जानते हैं कि एक अच्छी सरकार बननी चाहिए, फिर भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ रही है। वो सिर्फ रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर नहीं आ रही है, रीजनल फैक्टर्स आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। और दूसरी बात रही इनकी कि एमपीज जो हैं वो सिर्फ नेशनल इश्यूज की तरफ केंद्रित होने चाहिए, उनका चुनाव जो है वोट डालने का नहीं, ऐसा होता नहीं, वो पहुंचते हैं लोगों तक, पॉसिबल होता नहीं है। एनी संविधान से तो बाहर नहीं जा सकते, वक्त खत्म हो रहा है, छोटे काम जाने से पहले हरबंस सिंह जी, लगता है कि इस बार मुद्दे हावी हैं या नहीं है, या उसी तरह से समीकरण बनते हैं जैसे पहले बनते रहे हैं? मुद्दे तो हैं इस बार, और मुद्दों पर वोट देगा, मुद्दे ही हमेशा बदलाव लाते हैं। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था तो 1977 में, तब भी लोगों ने तख्ता पलटा था और बहुत बुरी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी को हराया था। ये जब मुद्दे नहीं होते, बाकी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करने वाली जो बातें होती हैं वो तब आती हैं जब मुद्दे नहीं होते। इस बार मुद्दे हैं, और बाकी चीजें गौण होगी। वो बोनस होगा अगर वोटर को कोई दे देता है तो उनके लिए बोनस होगा, अदरवाइज वो मुद्दों के आधार पर वो तय करते। 16 मई को सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है, और ये आम आदमी को व्यवस्था का हिस्सा बनने का हक भी देता है, इसलिए जरूरी है कि इस हक का इस्तेमाल हर नागरिक करे। प्राइम डिबेट में इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।